तो भाई फाइनली हीरो कंपनी अपनी एक्सट्रीम 160R को भी बहुत ही जल्द अपडेट करने वाली है, जो कि भाई हीरो कंपनी अपनी एक्सट्रीम 160R पे जो है USD सस्पेंशन, डुअल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐसे काफ़ी सारे अपडेट जो है अपनी एक्सट्रीम 160R पे करने वाली है, जिसके बारे में भाई आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपडेट के बारे में बताऊं तो वो होने वाला है फ्रंट पे, जो कि दोस्तों अब आप लोग को फ्रंट पे जो है प्रीमियम USD का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि भाई पहले के मुकाबले गाड़ी का जो लुक है वो आप लोग को और भी ज्यादा बल्कि लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पे जो है आप लोग को डुअल चैनल ABS का भी अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारे इंडियन मार्केट पे जो एक्सट्रीम 160R आ रही है उस पर दोस्तों आप लोग को सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर कंपनी दोस्तों इसमें अपडेट करके अब आप लोग को डुअल चैनल ABS भी देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो एक्सट्रीम 160R आ रही है उस पर दोस्तों आप लोग को जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो देखने को मिलता है, बट आप लोग को गाड़ी पर जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है इसके मीटर कंसोल को चेंज करने वाली है, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप लोग को हीरो कंपनी की जो एक्सट्रीम 200S में देखने को मिलता है, सेम वैसा ही मीटर कंसोल आप लोग को एक्सट्रीम 160R पे भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पे जो है हो सकता है कि कंपनी आप लोग को जो है राइडिंग मोड वगैरह भी ऑफर कर दे, जैसे कि TVS कंपनी अपने अपाची में करती है, तो ठीक ऐसा ही हीरो कंपनी जो है अपने एक्सट्रीम 160R पे भी राइडिंग मोड ऑफर कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल इतने सारे अपडेट्स होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को पहले जो फीचर्स मिलते थे वो सभी फीचर्स तो आप लोग को अब भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑल LED लाइटिंग का सेटअप, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, USB चार्जिंग पॉइंट वगैरह, वो सभी चीज़ें तो देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि गाड़ी का जो पावर है उसको यहाँ पर पहले के मुकाबले और थोड़ा सा मतलब कि इंक्रीज किया जाएगा। बाकी गाड़ी पे आप लोग को नया BS6 फेज 2 वाला इंजन तो देखने को मिलेगा ही, जिस पर कि दोस्तों आप लोग E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको तो आप लोग यूज कर ही पाएंगे। साथ ही साथ गाड़ी पे आप लोग को OBD2 सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल इतने सारे अपडेट्स होने वाले हैं। अब इतने सारे अपडेट्स होंगे तो प्राइसिंग भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, जो कि लगभग जो है पहले के मुकाबले 5 से 10 हज़ार रुपये एक्सट्रीम 160R का जो है प्राइसिंग बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने सारे अपडेट्स होने की संभावना है, तो आप लोग बताएं कि एक्सट्रीम 160R के ये सारे अपडेट्स आप लोगों को कैसे लगे, और आप लोग के हिसाब से और कौन कौन से अपडेट होने चाहिए एक्सट्रीम 160R पे, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।